गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन ही जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन मरहम बन करके काम ही आएगा। यही है जीवन का सत्य, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 20 जुलाई 2021 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में अपनी जन्म कुंडली से जानिए व्यापार की सही राह कौन सी है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। और ये श्रृंखला है, ठीक, ये कंटिन्यू 4-5 दिन तक 6 दिन तक चलेगी। संवत 2078 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज तिथि एकादशी है। शाम को 7:17 तक, उसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, रात को 8:32 तक, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु काल की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब मैं जो मुहूर्त बता रहा हूँ, शुभ चौगड़े मुहूर्त, उसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और वो समय काल है प्रातः काल 10:31 से दोपहर 1:31 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा शून्य लगा रहेगा, ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो फिर गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ, उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या दाम योग, गज केसरी योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, पापकर्तृ योग, पर्वत योग, काहल योग, नीचभंग राजयोग और महाराज योग, इन सभी का साथ मिलेगा। और ये सारे ग्रह या सारे योग बहुत विशेष हैं, इसलिए मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं हर दिन कोई न कोई एक योग लेकर के उसकी व्याख्या करूँगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा योग आपको कितना फल देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में अपनी जन्म कुंडली है और यदि उस कुंडली में राजयोग की लिस्ट है तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना बल है, या आपकी संतान की कुंडली में कितना स्ट्रेंथ है, जीवन साथी की कुंडली में कितना स्ट्रेंथ है। और जिस परिवार के व्यक्ति की कुंडली में बल है, स्ट्रेंथ है, उसके नाम से प्रॉपर्टी, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट, उसके नाम से बिजनेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपकी जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली के प्रति या अपनी राजयोग की कुंडली बनवाने के प्रति, अपने राजयोगों को जानने के प्रति, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है। जो भी टीम मेंबर होंगे फ़ोन उठाएंगे, वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। आइए अब बात करें लाख रुपए की। एक बात, शहर गांव में आपने देहावती या जो गाँव की कहावत होती है वो जरूर सुनी होगी, और बहुत सी ऐसी कहावतें होती है कि दिल करता है किसी डायरी में लिख लें मगर लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कहावतों के कई मतलब निकलते हैं। जैसे गांव भर काकी, केकरा और ताकी, यह कहावत प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति मदद कर दे या कोई सामान दे दे, उसके बाद में वही मदद या सामान कोई और मांगे, तो घर के बड़े बुजुर्ग इस कहावत का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि गांव के सभी लोग दोस्त हैं अपने पर, मैं किस किस की मदद करूं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 20 जुलाई 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा नीच राशि का है, केतु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा डैमेज स्थिति में है, ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाएगा। और यों भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है, अष्टक वक्र में 38 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, सिर्फ 33% का सपोर्ट मिल सकता है नेगेटिविटी से बचने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, आपको ये चंद्रमा नीचे गिरने नहीं देगा। तो आज आपको लड़ाई झगड़ा, आकस्मिक विपत्तियाँ, आपदाएँ, अपमानजनक स्थिति, इन सभी का सामना करना पड़ सकता है, झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। आज के दिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा तो लोग आपको उकसाएंगे कोई न कोई वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, और आप उस आग में कूद पड़ेंगे। उससे बचने की सलाह मैं आपको पहले से ही दे रहा हूं कि आज स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। और यों भी जब चंद्रमा नीच राशि का होता है तो उस व्यक्ति को
इमोशनल, सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, काइंड हार्टेड, सपोर्टिव, ये सब बना देता है। और इन सब से फायदा कुछ नहीं होता, उल्टा जिसका आप भला करेंगे वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वही अपना फायदा देखेगा आपको नीचे गिराने में। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद को सेफ कर लीजिए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, जिसकी भी वृश्चिक राशि है उसके लिए भी, और जो आज की तरह मेष राशि के उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। आपको कानूनी मामलों से या कोई चोट दुर्घटना से परेशान होना पड़ सकता है, घर और परिवार में भी स्पेशली पेरेंट्स के साथ में, माता जी के साथ में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और फिर इन सभी स्थितियों से, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे प्रोफेशन में हैं और चाहे बिजनेस में हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर वो विवाद आपको फाइनेंशियली नुकसान दे सकते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम में धकेल सकते हैं। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि ये चंद्रमा नीच राशि का है, लेकिन ये चंद्रमा पराक्रम भाव का अधिपति होकर के सप्तम भाव से संबंध जोड़ रहा है। राहु भी उच्च राशि के हैं और केतु भी उच्च राशि के हैं, यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का साथ अतः कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वक्र में 35 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है, 100% पॉजिटिव बनाता है। उसके बावजूद भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ये चंद्रमा आपको झटका दे सकता है। राशि से 7th हाउस में आया हुआ चंद्रमा, स्पेशली आप में से जो भी लोग फाइनेंस का या एजुकेशन का, बेकरी का, कन्फेशनरी का, यूटेंसिल से संबंधित, या फिर वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए चंद्रमा लाभदायक ज़्यादा है। जो लोग लेन देन करते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, एजेंसी बिजनेस है, या फिर वो लोग जो शेयर से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनके लिए चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा बेटर है। आज आपको लाभ के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। और जिन लोगों को कोई टिप मिल चुकी है, जिन लोगों को कोई सलाह मिल चुकी है, या जो कैलकुलेटिव है, उनके लिए भी ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होगा, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतुष्टि, अच्छा खाना पीना और पहनने से, घर के अच्छे वातावरण से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और कुछ नया करने की आप में उत्साहवर्धन होगा, प्रेरणा मिलेगी। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी स्थितियाँ बहुत सुखद है। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत तारा का साथ और अष्टक वक्र में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए चंद्रमा बेहतरीन है। राशि से 6th हाउस का चंद्रमा सभी प्रयासों को, सभी एफर्ट्स को आगे बढ़ाता है, गति देता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग अपने पेंडिंग काम को आज पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुखद एहसास मिलेगा, बहुत तेज़ी से वो काम आपका पूरा होने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और जो लोग कोई वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को, या फिर जो हिसाब में गड़बड़ है उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, जो वाद विवाद को निपटारा करना चाहते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही यूजफुल है। आज का दिन आपको हिसाब किताब को निपटारा करने के लिए, विवादों को शांत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रोगों को शांत करने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए सही इलाज, सही टेस्टिंग या सही डॉक्टर का मिल जाना आज सचमुच भाग्यशाली होने की निशानी होगा, क्योंकि आज आपको रोग नाश के, रोगों से मुक्त होने के अवसर मिलेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आपके स्टेटस में, आपके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होने के योग आएंगे। और साथ ही साथ जो लोग युवा हैं वो अपनी दोस्ती से फूले नहीं समाएंगे। आज का दिन ही आपके लिए खुशी, आनंद, सुखी पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनको सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलने के योग हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा लाभदायक और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। आज का लकी कलर है इंडिगो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण
साधक तारा का साथ सुबह और अस्तक वक्त में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव है। और 33% फिर भी आपको ज़्यादा एफर्ट करके इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे आज के दिन आप में से जो भी लोग फैशन या कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट या एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी या फिर फिल्म लाइन से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए चन्मा बेहतरीन है। ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए आपका कामकाज पूरा होगा या आज आप खुश ज़्यादा रहेंगे। राशि से फिफ्थ हाउस में आया हुआ चन्मा आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, बैक पेन से संबंधित या फिर मांसपेशियों के खिंचाव से संबंधित तकलीफ दे सकता है। आपको बहुत मेंटली अपसेट कर सकता है, आप बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं, आप एक प्रकार से ड्वेल मेंटेलिटी के शिकार हो सकते हैं। आप दुविधा में आ जाएंगे कि ये आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करूं तो क्या होगा और वैसा करूं तो क्या होगा। तो ये जो डबल मेंटेलिटी होती है उसमें उलझ करके आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस काम में आपको कन्फ्यूजन है उसको साइड में करिए, दूसरा काम हाथ में पकड़िए। जो ही दूसरा काम हाथ में पकड़ेंगे थोड़ी देर में ही आपको उस फर्स्ट काम के लिए सही डिसीजन मिल जाएगा। तो आपके लिए आज का दिन इस ढंग से टैकल करना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकल बना होगा और कुछ आपको ऐसे अल्टरनेटिव जो साधन है या ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं वो अपनानी पड़ेगी, उससे आपको राहत मिलेगी। बच्चों की बीमारी को लेकर के, बच्चों की फीस को लेकर के, बच्चों के कैरियर को लेकर के या बच्चों की असफलता से आप कुछ न कुछ दुखी, परेशान या चिंतित नजर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपके अकेले की चिंता से कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ अपनी संतान के लिए साधन ले सकते हैं, उसके आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आप फीस बढ़ सकते हैं, जो उसको चाहिए सुख सुविधा वो सब उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी वो उसके साथ में, उससे ही अपनी लाइफ को टैकल करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं, समझा भी सकते हैं और बहुत से लोग मारपीट भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बच्चे को करना है वो ही वो करता है। तो ऐसी स्थिति मोटिवेशन के साथ में उसे आगे बढ़ाइए, सही और गलत दोनों ऑप्शन उसको बताइए, उससे उसको राह मिल सकती है। और यदि आपसे नहीं समझते हैं तो फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल में या काउंसलर से मिलना चाहिए। बहुत बार जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते, जो उसके अंदर कुंठा है, जो कन्फ्यूज़न है, जो वो भोग रहा है या जिस चीज़ से वो बहुत बेचैन है, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव डॉक्टर, साइक्रेटिक या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो जिसको वो ईजी होकर के बता सके, ऐसा चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए। राशि से पांचवें चन्मा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में चन्मा विराजमान है और ये चन्मा सुख देता नहीं है। और यों नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी प्रत्यारी तारा का साथ मिल रहा है जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वक्र में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चन्मा को 67% नेगेटिव, सिर्फ 33% का आपको कॉन्फिडेंस देगा नेगेटिविटी को फेस करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा अशांत, बहुत ज़्यादा बेचैन, अनकंफर्टेबल या हाइपर होकर के आज वाद विवाद को इनवाइट करेंगे। आ बैल मुझे मार वाले कहावत आप चरितार्थ करेंगे। जो आपस में लोग बात कर रहे हैं, चाहे घर परिवार में आपकी पत्नी या आपके पति बात कर रहे हैं, अपनी माता जी से, अपने पेरेंट्स से कोई भी बात कर रहे हैं, आपको लगेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और फिर उस चीज़ में तिल का ताड़ बनाते हुए देर नहीं करेंगे। तो हमेशा जब तक आपके पास में कोई बात नहीं आती है, जब तक उसमें इन्वॉल्व मत होइए, इंटरफेयर मत कीजिए, ये गलत आदत है। घर और परिवार में बुजुर्गों के समझाने से भी अपसेट हो सकते हैं और फिर उनके साथ में भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी ही इमेज खराब होगी। चाहे वो गलत हो सकते हैं लेकिन उनके सामने उनको गलत मत बोलिए, सुन तो सकते ही है। जो आपको करना है वो अपने मन की करेंगे लेकिन सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। और जो आपको समझा रहे हैं बुजुर्ग वो एक्सपीरियंस की खान है, उनके पास में अनुभव का भंडार है, खजाना है, आपको उस खजाने को यूज़ करना है, लूट लेना है, ये ध्यान रखिए। राशि से फोर्थ हाउस का चन्मा अपसेट करता है, दुखी करता है, घर वालों से भी परेशान कर देता है, अपमानित भी करवाता है, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है, सामान की चोरी हो सकती है या सामान गुम हो सकता है। दुख, तकलीफ, संदेह और पेट की गड़बड़ी या फिर छाती में दर्द, ये सब खराब सेहत के साथ साथ आपको आज सारा दिन अड़चन, ऑब्स्टेकल्स, हैरेसमेंट, तनाव, ये सब देखना होगा और इन सब से आपको पार पाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई आएगा नहीं आपकी सहायता करने के लिए। अपना खुद का दुख खुद ही झेलना पड़ता है, खुद ही भुगतना पड़ता है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 3।
आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्त तारा का साथ और अष्टक वक्र में 31 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में आज आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, सुपरवाइजर हैं, या फिर आप जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शुभ है, बेहतरीन है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। राशि से थर्ड हाउस में आया हुआ चंद्रमा आपके सर्कल में, आपके जान पहचान के दायरे में बहुत इम्प्रूवमेंट देता है और साथ ही साथ आप जान पहचान के संबंधों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज आपको फ़ायदा उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आज के दिन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज ही वो डेट है जो कि देव शयन एकादशी है और यहाँ से आपको अगले 4 महीने तक चातुर्मास में कोई भी शुभ मुहूर्त देखने का अवसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें लास्ट मुहूर्त 18 जुलाई 2021 था, जिसको बढ़ली नवमी बोलते हैं, वो 2 दिन पहले ही जा चुका है। और वापस अब जो आरंभ होंगे मुहूर्त वो 20 नवंबर 2021 से होंगे, अर्थात जब देव प्रबोधिनी एकादशी आ जाएगी। वहाँ से जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी विरोधी हैं, उनसे पार पाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए या उनसे कहीं आगे निकल जाने के लिए आज आप स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में, या जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है। बहुत सी बार आपको सलाह लेनी चाहिए कोई लॉयर से, ऑफकोर्स उसकी फीस लगेगी, लेकिन आप अपने आप को यदि कुछ आगे ले जाना चाहते हैं, आपने अपना, आपको कोई स्टेज पे देखा है, सपना देखा है, तो उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ेगी। ज्योतिष भी उसमें से एक है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, जब आपको आज के संदर्भ में कानून की बात आती है, तो फिर कोई लॉयर ही आपको सही सलाह दे सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, सब तरफ आप सक्सेसफुल रहेंगे, या आपको यश, नेम फेम, एप्रिसिएशन, प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको मिलेगी। और आज जो यंगस्टर्स हैं, वो कोई ना कोई नई दोस्ती उनका इंतज़ार कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। आज का लकी कलर है पीच और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वक्र में 29 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव, 25% की वीकनेस देगा। और वो वीकनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं सही ढंग से, डिसीजन लेकर के, ज़्यादा काम करके, ज़्यादा एफर्ट करके। वैसे आज के दिन आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गेहूँ का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का चंद्रमा बहुत बेहतरीन है। और जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए भी आज का चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। आज आपको विशेष कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है या कोई न कोई आपके फायदे की बात आज होने वाली है। राशि से सेकंड हाउस में आया हुआ चंद्रमा नए कामों में, या जो आपके काम है उनमें आपने जो नया वेंचर जोड़ा है, नया कोई प्रोडक्ट जोड़ा हुआ है, या आप कोई न कोई नए काम की परिभाषा रच रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी कोई न कोई समस्याएं या कोई न कोई उलझन, या ये बोल सकते हैं कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है। आपने प्रोजेक्ट बना लिया, रिपोर्ट बना ली, उसके बावजूद भी आपको खटक रहा है, कुछ न कुछ कमी है, और जो ही वापस उसको एनालाइज करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत बड़ी कोई चीज़ मिस कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई फाइनल करें, उससे पहले 2-4-5 लोगों से मिल करके उस पर और डिस्कस कर लीजिए, वो हमेशा सही रहता है। अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आज आपको इन्वेस्टमेंट में या मान सम्मान में फाइनेंशियली गेन के साथ साथ एप्रिसिएशन मिलने वाला है। हाँ, आज के दिन खर्चे ज़्यादा होंगे आँखों को लेकर के, और या फिर दांतों के दर्द को लेकर के, सर्वाइकल के दर्द को लेकर के परेशानी हो सकती है। बहुत से लोगों को जब भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है, बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है, और वो सरदर्द या तो कोई चिंता से होता है और या फिर एसिडिटी के कारण होता है। ये 2 रीज़न हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आज व्यस्त भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, आज थक भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव भी आपको मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में ही ये चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन
नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है, सपोर्टिव है और 33% वध तारा के कारण नेगेटिव है। फिर भी आज के दिन आप में से जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग, स्टेशनरी या कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फोन एंड एसेसरीज, म्यूजिक से संबंधित कोई कामकाज करने वाले, एजेंसी बिजनेस करने वाले, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, उन सभी लोगों के लिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनएक्सपेक्टेड गेन की गुंजाइश है, इसलिए आपको जी भर के आज के दिन का उपयोग करना चाहिए। राशि से फर्स्ट हाउस का चंद्रमा भाग्य का साथ देने के लिए मजबूर करता है या आज के दिन भाग्य का साथ जबरदस्त मिलता है, क्योंकि ये चंद्रमा नीच राशि का जरूर है लेकिन भाग्य का अधिपति होकर के आपके राशि भाव में बैठा हुआ है। राशि का मतलब आपका खुद का शरीर, आपका खुद का मन, दिल और दिमाग, उसको राशि बोलते हैं। और भाग्य का मतलब है स्मूथनेस, सपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में भाग्य और आपका दिल और दिमाग, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उससे आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी, बहुत तेजी से आप ग्रास्पिंग करेंगे। और यों जब चंद्रमा नीच राशि का होता है तो सिक्के के दो पहलू तक फायदा मिलता है। एक तरफ चंद्रमा इमोशनल, सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, काइंड हार्टेड, सपोर्टिव बहुत बना देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही चंद्रमा बहुत तेज दिमाग देता है, ऑब्जर्वेशन, ग्रास्पिंग, इन सब चीज़ में बहुत मालामाल करता है और बहुत तेज़ी से दिमाग चलता है। और ऐसे लोगों को हमेशा थ्रिल पसंद आती है, स्पीड पसंद आती है। जिसकी कुंडली में भी चंद्रमा नीच राशि का है और उसका चंद्रमा 8th हाउस में या 12th हाउस में, वो आदमी धीरे गाड़ी चला ही नहीं सकता। और जब भी वो गाड़ी धीरे चलाएगा उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, एक्सीडेंट होता है। और जब भी वो गाड़ी फास्ट चलाता है उसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एकदम एक्सपर्ट की तरह ड्राइव करता है। और ये अनुभूत सत्य है, आप खुद भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं यदि आपके पास में कोई भी ऐसे लोग हैं। आज आपको कोई भी काम में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ प्रोफेशन है, आज सफलता के योग ज़्यादा हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे आपका आदर सत्कार होगा और जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत ज़्यादा सुखद, लाभदायक और सफलतादायक होने वाली है। हेल्थ आज बहुत अच्छी होगी, आपका एनर्जी लेवल और फिटनेस आज कमाल करेगा। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, बहुत अच्छी नींद, संतुष्टि, ये सब कुछ आज आपके हिस्से में है, नसीब में है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वक्र में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपके बचाव के लिए और 33% आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। राशि से 12th हाउस का चंद्रमा फिजूल काम की ओर अट्रैक्ट करता है। जो काम जरूरी है वो साइड में पड़ा रहेगा, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो साइड में रहेगा। और जिस चीज़ की आज कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जिस फाइलों को आज चेक करने की ज़रूरत नहीं है या जो बिल आज नहीं भरना है, जो खर्चा आज नहीं करना है, लेकिन आज आप वही सब कुछ करके अपने आप को बिजी रखेंगे और शाम होते होते पछताने लगेंगे, क्योंकि 12th हाउस आपको डिस्टर्ब भी करता है, तनाव भी देता है, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा भी लेता है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम भी आएगी, अनचाहे खर्च और अनावश्यक खर्च भी करेंगे और या फिर गलत लोगों की संगति के कारण आज अपना पैसा बर्बाद करेंगे। गुस्सा, आवेश, अपशब्द, ये जो आपको जानते हैं उनके साथ में ज़्यादा आप बात करेंगे। और हमेशा आपको सहन कौन करेगा? जो आपके साथ में रहता है, जो आपको जानता है। अनजाने लोग तो आपका एक सेकेंड में कॉलर पकड़ लेंगे यदि आप कुछ भी बोलेंगे गलत। तो ऐसी स्थिति में आज जो परिवार वाले हैं उनके साथ में आवेश वाली, क्रोध वाली भाषा में बात कुछ कर सकते हैं। और अपने घर परिवार के लोगों के साथ में, संबंधियों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में विवाद भी खड़े हो सकते हैं। और जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पर कोई काम करते हैं या फिर वो लोग जो व्यवसायी हैं, वो आज गलतफहमी में आकर के कोई नुकसान भी सहन कर सकते हैं, नुकसान सहन करना पड़ेगा, नुकसान हो चुका होगा। डर और बेचैनी, नेगेटिव थॉट, डिप्रेसिव मेंटेलिटी, फालतू चीज़ों को सोच सोच के दुखी होना, और बहुत से लोग जो इमोशनल होते हैं वो आज अपने आप को बेचैन करते हुए, कचोटते हुए रोने लगते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। और जो यात्रा करना चाहते हैं उनको अपनी यात्रा को पोस्टपोन करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज यात्रा आपकी व्यर्थ जाने वाली है। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% इस चंद्रमा को पॉजिटिविटी देता है। राशि से 11th हाउस में आया हुआ चंद्रमा विशेष रूप से
जो लोग भी लिक्विड में काम करते हैं, दूध का, कोल्ड ड्रिंक का, या केमिकल्स का, परफ्यूम का, और या फिर वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म डिपार्टमेंट से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, गाइड हैं, या अपनी टैक्सियां चला रखी है, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, या साइट विजिट कराने वाले लोग भी हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का चंद्रमा अच्छा है, शुभ है, फायदेमंद है। वैसे राशि से 11th हाउस में आया चंद्रमा आपको हमेशा फायदेमंद की स्थिति में लाता है, और जिनका कोई कामकाज से या जिनका इनकम से लेना देना नहीं है, वो आज अनायास ही कोई न कोई काम करके खुश हो जाते हैं। वो चाहे गार्डनिंग करके खुश हो सकते हैं, फ्रेंड से मिल करके खुश हो सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन करके खुश हो सकते हैं, और या कोई मैगजीन पुरानी मिल जाए तो उसको पढ़ते पढ़ते पुरानी यादों में खो करके भी खुश हो सकते हैं। तो आज सब मिलाकर के स्थितियाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, आपके काम काज में, आपके बिजनेस में आपको लाभ और उन्नति ज़्यादा मिलेगी, और जो लोग जॉब वाले हैं उनको कोई न कोई आपको शिफ्ट ज़्यादा मिल सकती है, ओवर टाइम ज़्यादा मिल सकता है, या कोई जॉब वर्क मिल सकता है, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आज आपके हिस्से में खुशहाली ज़्यादा आएगी, और जो कुछ स्पेशल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन सीखने के लिए अच्छा मौका है। आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में, आपकी कैपिटल को इम्प्रूवमेंट करने की स्थिति में, इन्वेस्टमेंट में आज आप कुछ योगदान कर सकते हैं, ज़्यादा सही ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसमें अच्छी सेहत, अच्छी एनर्जी लेवल, फिटनेस आपको सपोर्ट करेगी। और जो यंगस्टर्स हैं वो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हो सकता है आपकी दोस्ती कबूल हो जाए, और दोस्ती कबूल नहीं होती है तो उससे अपमानित नहीं होना है। हर किसी की अपनी अपनी लाइकिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म स्टार की तरह दिखाई देते हैं, उसके बावजूद भी हर किसी के पास में चॉइस है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें कंपल नहीं करें, मजबूर नहीं करें कि वो आपको पसंद करें। जो कोई जुडिशरी मामलों में अपना कोई कामकाज चाहते हैं उन लोगों को सफलता मिलेगी। आज सब मिला करके सुख की स्थिति ज़्यादा है, एप्रिसिएशन की, गेन की, सक्सेस की, प्रोग्रेस की स्थिति ज़्यादा है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आज का लकी कलर है रेड, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वक्र में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। आज के दिन जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज बटे डिस्काउंट का काम करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति के क्षेत्र में, या वो लोग जो बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, जिनकी अपनी मिठाई की दुकान है, उनके लिए आज का चंद्रमा बहुत बेहतरीन है, सक्सेसफुल है, या आपको बहुत बड़ा ऑर्डर या कुछ गेन के साधन और डेवलप हो सकते हैं। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा आपके कामकाज को आगे बढ़ाता है, कामकाज में कुछ नए विचार देता है, नए आइडियाज़ आते हैं, और नई प्लानिंग बन सकती है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों को भी आज ऐसे लोग टकरा सकते हैं जो आपका सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको जॉब दिलवाने के लिए। हो सकता है वो अपने पास में जॉब दे दें आपको सिखाने के लिए, या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपकी हो सकती है। आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य सुख की स्थिति आज बहुत सुखद रहेगी। आज का दिन ही आपके लिए खुशी के लिए, आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए, सम्मान के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और साथ ही साथ अपने काम काज में अपर लेवल में जाने के लिए आपको सही मदद, सही जानकारी मिल सकती है। आज का लकी कलर है गोल्ड, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वक्र में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव, 25% की वीकनेस देता है। आज के दिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैकेनिक हो सकते हैं, आप प्लम्बर हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, आप में से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी के लिए आज का चंद्रमा बहुत बेहतरीन है। आज इनकम के मौके भी बहुत मिलेंगे, तो साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हुए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, व्यस्तता बहुत ज़्यादा और होगी, और अंत में संतुष्टि बहुत मिलेगी। राशि से 9th हाउस में आया हुआ चंद्रमा मैनेजमेंट के साथ में कोई न कोई कासूनी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम आज अच्छा निकलेगा। बहुत सी बातें जो मैनेजमेंट को नहीं मालूम है, आप अपनी बढ़ास के अंदर वो सारी चीज़ें बोल देंगे जो कि उनको कोई बता नहीं रहा है आपके बारे में। और फिर हो सकता है एक बार आप खुद भी अपसेट हो जाएं
और सारे दिन आपको खुद को लगता रहे कि आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन बहुत बार बोलना सही होता है, क्योंकि चुप रहने से आपको कमज़ोर माना जा सकता है, दब्बू माना जा सकता है, और या फिर आपको बेकार या फिर आम भाषा में जिसे बोल नाकारा बोलते हैं वो भी माना जाता है, जबकि आप काम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपसेट जरूर हो सकते हैं। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए आज स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्ट्रीमलाइन गिनाए हैं उसमें जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। संतान के साथ में विचार विमर्श हो सकता है, या संतान के साथ में बिजनेस को लेकर के कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, और इसका रिजल्ट बहुत सुखद आएगा। मेंटली प्लानिंग या मेंटली एप्लीकेशन में, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में, या कोई योजना बनाने में आज आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करने से थकान महसूस होगी, लेकिन अल्टीमेटली शाम होते होते आपको समझ आएगा कि आपने जो सोचा है वो बहुत सटीक सोचा है और ये काम करेगा। दान में, धर्म में, आध्यात्मिक कामों में खर्च ज़्यादा हो सकता है। अपनी हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए, और यूँ भी जब वृश्चिक राशि का चरमा होता है तो पानी से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे जी घबराना हो सकता है, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब से आपको सावधान रहना है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। अपनी जन्म कुंडली से जानिए व्यापार की सही राह कौन सी है, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सही रहेगा। बदलने का नाम ही जीवन है, और जीवन रोज करवट बदलता है, जिससे हम सभी के जीवन की घटनाओं में भी हर रोज कोई न कोई बदलाव जरूर होता है। यह बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में सहजता से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य मात्र, जीव जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर है। बदलाव मात्र जीवन में नहीं बल्कि व्यवहार में, व्यक्तित्व में, आपके कामकाज में और विचारधारा में, बुद्धिबल में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमने अक्सर देखा है कि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, परंतु अचानक से उस व्यक्ति की व्यवहार में आने वाला परिवर्तन हमारी समझ से परे होता है। यही स्थिति जीवन की घटनाओं में भी देखने में आती है। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराता है। आजीविका का साधन ही उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है, इसे ही व्यापार कहा जा सकता है। आज जो व्यक्ति नौकरी में, वह भी अवश्य जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सा व्यापार करना उत्तम रहेगा, सही रहेगा। भले ही व्यापार करने की स्थिति में ना हो, परंतु व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा हम सभी को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य रहती है कि कौन सा व्यापार या आपको व्यापार करना चाहिए। यह प्रश्न व्यवसायी और जो व्यवसायी नहीं है सभी के मन में होता है। इजीली और बहुत ज़्यादा फायदा पाने की कामना से यह प्रश्न जन्म लेता है। ज्योतिष विद्या इस विषय में क्या कहती है, आइए वो जान लीजिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, अर्थात मेष राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र राशि में हो, अधिमित्र राशि में स्थित हो, तो व्यक्ति में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और वो व्यक्ति व्यवसाय से लाभ उठाता है। इसके अलावा यदि सूर्य 9th हाउस में भाग्य भाव में हो, वर्ग कुंडलियों में अर्थात 16 कुंडलियाँ, जो भी विस्तार से जन्म कुंडली आपके पास बनी हुई है उसमें 16 कुंडलियाँ भी बनी हुई होगी, जिसे 66 वर्ग कहा जाता है, इन वर्ग कुंडलियों में भी सूर्य बली हो, तब भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यवसाय से लाभ कमाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को गोल्ड लेन देन का काम, अर्थात जो ट्रेडिंग है उसका काम, वैदिक कार्य और या फिर डॉक्टर सर्जन, ये सब कुछ काम करने का मौका मिलता है। आइए अब बात करें चंद्रमा की। तो चंद्रमा का जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होना, जैसे उच्च राशि में हो, वृष राशि में हो या वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम होने का अर्थ है जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वो ग्रह वापस नवांश कुंडली में भी उसी राशि में हो, उसे वर्गोत्तम कहा जाता है। और जब वर्गोत्तम ग्रह की दशा आती है तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जब चंद्रमा वर्गोत्तम है तो आपको लिक्विड से प्राप्त वस्तुओं से व्यापार में जोड़ता है, चाहे वो लिक्विड मिनरल वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, दूध हो सकता है, या और कोई केमिकल हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, इत्र हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भावनाओं, प्रेम, स्नेह का प्रयोग करके व्यापार में सफल होने का भरसक प्रयास करता है। सेवा से जुड़े क्षेत्रों में भी, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनसे क्षेत्रों में भी व्यापारिक लाभ की प्राप्ति बहुत शानदार होती है। सरकारी सहयोग से फायदा,
साथ ही लिक्विड वस्तुओं की व्यापार में सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल बनती है। और यही स्थिति जन्म कुंडली में मंगल की भी हो, अर्थात वो उच्च हो, वर्गोत्तम हो, मूल त्रिकोण राशि में अर्थात मेष राशि में हो, भाग्य भाव में स्थित हो, नाइन्थ हाउस में हो, तो व्यक्ति सांस से जुड़े क्षेत्रों में बहुत फायदा प्राप्त करता है। उसके व्यापार की सफलता में पहल, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, जोश और लीडरशिप के गुणों की प्रमुखता से मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत सी बार राइटिंग में, लेखन में बहुत कुशलता प्राप्त होती है। इसी श्रृंखला में कल मैं आपको राशियों की प्रकृति के आधार पर कौन सा व्यवसाय करना चाहिए या फिर बिजनेस का निर्धारण कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें, वह बतलाऊंगा। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में भी आज ये जिज्ञासा पनप चुकी है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, बिजनेस कब करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पे इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और जो भी उचित उपाय होंगे, जरूरी होंगे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपकी कुंडली में जो पॉजिटिव है उसे और स्ट्रांग किया जा सके और जो नेगेटिव है उसको दान करके, मंत्र जाप करके, पूजा करके शांत किया जा सके। यही स्ट्रेटेजी होती है ग्रहों की। हमेशा दो ही चीज़ें होती है जीवन में, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव को हमेशा ऐसे स्ट्रांग किया जाता है और नेगेटिव को डाउन किया जाता है, उससे ही जिंदगी अच्छी होती है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।